जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले हमने 11 सेट पेपर कर रखे हैं, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 12। तो जैसा आपको पता है, इसको कुल करने के लिए आपको एक घंटे का समय मिलता है और 100 मार्क्स हमारा पेपर होता है। तो आइए बढ़ते हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जो कि आपका जनरल सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर इज कोणार्क टेम्पल लोकेटेड। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी जैसे कोणार्क की अगर बात करूँ, तो कोणार्क टेम्पल को कोणार्क सन टेम्पल, ये सूर्य मंदिर के नाम से जानते हो, ठीक है। ये 13th सेंचुरी में बना था। नारासिम देवा फर्स्ट जो थे ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी क्रेडिट फॉर इट, उनको इसका क्रेडिट दिया गया था, ठीक है। ईस्टर्न घाट के जो नारासिम्हा प्रथम थे उनको। तो इसका आंसर क्या आपका बी, उड़ीसा इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, महाद्वीपियों की संख्या कितनी है हमारे पूरे मतलब अगर मैं विश्व में बोलूँ तो 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप के नाम पता होने चाहिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर ऐसे ही साउथ अमेरिका, कितने हो गए 4। फिर इसके बाद आप लिखो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, तो ये आपके 7 महाद्वीप होते। क्या आंसर है इसका बी, 7 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच स्पोर्ट इज हुक रिलेटेड टू। हुक किस किस से संबंधित है? ये संबंधित है आपके बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। तो क्या आंसर है इसका ए, हुक इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा चौथा क्वेश्चन, वेयर इज ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके स्थित है कांगड़ा में। और ये कांगड़ा कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा आपके हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे कैसा टेम्पल है जहाँ पे पूजा होती है, जैसे दुर्गा सप्ता शक्ति की पूजा होती है, हर रोज होती है। इनको आरती ऑफर की जाती है, मतलब जो हमारी माता ज्वालामुखी हैं उनको दिन में 5 बार आरती की जाती है इनकी। तो क्या आंसर है इसका ए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड है। बढ़ते हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा वॉट इज नेसेसरी फॉर वोट। वोट के लिए क्या जरूरी है? वोट के लिए जरूरी है आपकी उम्र। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है या 18 साल से ऊपर है तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गए हो, बट आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा तभी आप वोट डाल सकते हो। ये हमारी एक एज करी गई है निर्धारित हमारे इंडिया में, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं जो है। तो क्या आंसर इसका ए, उम्र इसका आंसर हो गया। पढ़ते वाले छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा वॉट इज द टर्म ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपके 5 साल का होता है। आपका एक क्वेश्चन, मैंने आपका होमवर्क क्वेश्चन की तरह से आपको दे रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, बट उसके आंसर आप लोगों ने कम दिए थे। तो मैं फिर से आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का तो जरूर आंसर देंगे। क्वेश्चन आता है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना है? 5 साल का मैंने आपको बता दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, हमारे इंडिया के करंट में प्रेजेंट में प्रेजिडेंट है कौन, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो क्या आंसर इसका बी, 5 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेंसस। जनगणना किस अंतराल में होती है? 10 साल के अंतराल में होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। जैसे 2010 में हुई थी, 2020 में हुई, जिसका रिजल्ट 2021 में आया था, तो ऐसे हर साल जनगणना होती है। क्या आंसर इसका हर 10 साल पे, क्या आंसर है सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा इंडियन मिलिट्री अकेडमी सिचुएटेड इन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पे है? ये आपके देहरादून में स्थित है। अगर मैं बात करूँ IMA की, तो IMA आपका एक ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी है इंडियन आर्मी का, जो स्टेबलाइज हुआ था इन 1932। तो क्या आंसर है इसका डी, देहरादून इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा नौवां क्वेश्चन, जो कि हमारा इन हुज रूल डिड अबुल फजल कम। अबुल फजल किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे अकबर के शासनकाल में। अबुल फजल के बारे में बताऊं तो ये ऐसे आदमी थे जिनके वाइट कल्चर, प्योर स्पिरिचुअल आइडियाज थे। ये जो अकबर के नौरत्न थे, नौरत्न उनमें से एक थे। अकबरनामा जो पुस्तक थी, जो अकबर के ऊपर जो लिखी गई थी अकबरनामा, उसको भी अबुल फजल ने ही लिखा था। तो क्या आंसर है इसका ए, अकबर इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं दसवां क्वेश्चन, जो कि हमारा वैन वॉज बांग्लादेश डिवाइडेड। बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था? ये विभाजन हुआ था 1971 में। क्या हुआ था? जो हमारा हिस्सा आज़ादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी आज़ादी हुई थी बांग्लादेश के नाम से। क्या हुआ था कि बांग्लादेश के जो शासक थे उस टाइम पे, मुजीबुर रहमान, उनका क्या था, उनका ना जो लोकप्रियता थी बहुत बढ़ गई थी। मतलब यहाँ तक कि सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में नहीं, जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। बट जो सारा कुछ संभालने का काम होता था, सब होता था वेस्ट पाकिस्तान में। जो आज के में पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ सब कुछ संभालते थे। तो वो ये लोग नहीं मानने को तैयार थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान का एक ऐसा आदमी है जो हम सबको कंट्रोल कर पाए।
इसके कारण वहाँ पे ना बांग्लादेश में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, हम कह सकते हैं इंटरनल क्राइसिस आ गए थे, जिसके बाद वहाँ पे वॉर हुआ और इंडिया ने साथ दिया बांग्लादेश का, तो और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसी में कह सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी बांग्लादेश के वॉर में। तो क्या आंसर है इसका, ए 1971 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 11 क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू बॉर्न, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर क्वेश्चन आया इनकी बॉन्ड पे, तो देखो आपको अगर डेट याद है और बाई चांस आपको ईयर याद नहीं है तो कोई सोचना नहीं है। देखो एक चीज़ देखो, डेट याद है 14 नवंबर, क्योंकि इसी दिन हम भाई चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, बाल दिवस, तो 14 नवंबर की डेट तो एक ही है, साल भी एक ही है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया। इसलिए कई बार क्वेश्चन आना आपको ऑप्शन देख के भी कर लेने चाहिए कि क्या पता ऑप्शन से ही मेरा काम हो जाए या सोचना ही ना पड़े। तो जैसे आपको बताता हूँ, इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1889 में इनका बॉर्न हुआ था, और इनकी मौत जो हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, वो हुई थी 27 मई 1964 में। क्या आंसर है इसका, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड, संविधान कब लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था हमारा 1950 में, एग्जैक्ट डेट आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, पोस्ट में हुआ था। ठीक है, ऐसे कह सकते हो लागू हुआ था। आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, तो हमारा संविधान जो बनना स्टार्ट हुआ था वो बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, इतने टाइम में हमारा संविधान तैयार हो गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान तैयार हो गया था, बट फिर भी हमने उसके 2 महीने बाद उसको लागू किया था। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, बी 1950 का आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गिविंग वोट, वोट डालने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, वो नीचे 18 साल, 18 साल या उससे अधिक अगर आपकी उम्र है तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो क्या आंसर है इसका, सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा, कैपिटल ऑफ ईरान इज, ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान, जो तेहरान है वो ईरान की राजधानी है, लार्जेस्ट सिटी है ईरान की है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है जो वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। अगर मैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो वो पर्शियन है, फारसी। ठीक है, बगदाद आपके इराक की है, काबुल आपके अफगानिस्तान की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका, बी तेहरान आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप, इनमें से कौन सी खाद्य फसल है। खाद्य फसल की बात हो रही है मतलब फूड क्रॉप, खाने वाली क्रॉप, तो वो है मेज, मक्का जो आपकी फूड क्रॉप है। तो क्या आंसर है इसका, डी मेज का आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारा सेक्शन बी जो कि आपका जनरल साइंस। तो हमारा 16वां क्वेश्चन कहता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या, वो है डायनमो। डायनमो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप सबने जनरेटर देखा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसको आप देते हो डीजल, ठीक है, और बदले में वो देता है आपको इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही होता है ना। तो यही आपका डायनमो वाला केस है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल बनाना है, तो उसका आंसर है मोटर। आपके घर में पानी की मोटर होती है ना, हाँ, आप पानी की मोटर को बिजली से ऑन करते हो, बदले में क्या होता है वो पानी चढ़ाती है आपकी टंकी तक, तो ये क्या है, मोटर, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्ट हो रहा है। क्या आंसर है इसका, आंसर है ए। बढ़ते हमारे 17वां क्वेश्चन जो कि हमारा, एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन की एसआई यूनिट क्या है, एसआई का क्या है। पहले बात तो इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन होता है, इसको डिफाइन करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव बाय सरफेस पर यूनिट एरिया, मतलब कितना ल्यूमिनस फ्लक्स मिला था एक सरफेस एरिया पर, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ तो वो है आपकी लक्स, जो आपकी लक्स है वो इसकी एसआई यूनिट है। तो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल इज कॉल्ड, धातु के साथ धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, कहता है एलॉय, मिश्र धातु। अगर आप एक धातु को दूसरे धातु से मिलाते हो तो उसको बोलते हैं एलॉय, जैसे कि आपका स्टील एक एलॉय है, ऐसे ही ब्रॉन्ज आपका एक एलॉय है, ब्रास आपका एक एलॉय है, तो ऐसे। क्या आंसर है इसका, डी, डी एलॉय इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 19वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ अ वायर हैज अ सिमिलर करंट रनिंग थ्रू इट देन इट विल बी इन, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो तार पर क्या होगा। देखो समान विद्युत दौड़ रही है मतलब जो करंट है वो सेम है, तो उसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है तभी करंट सेम फ्लो करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे कि किस तरह से फोर्स आ रहा है और किस तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट फोर्स फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब वहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड है। क्या आंसर है इसका, ए। बढ़ते हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ दिस इज अ सॉलिड फ्यूल, इनमें से कौन सा एक ठोस ईंधन है, वो है आपका चारकोल। चारकोल वुड, ये आपके सॉलिड फ्यूल में आते हैं, देखो कैरोसिन पेट्रोल कैरोसिन और पेट्रोल, तो ये आपके लिक्विड में आ गए, लिक्विड फ्यूल में, ये आपके गैसियस फ्यूल में आ गए, तो बचा क्या चारकोल, ये आपके सॉलिड फ्यूल में आता है, चारकोल हो गया, वुड हो गया, ये सब। तो क्या आंसर है इसका, सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ यूरेनियम इज कीप्ड इन वैक्यूम देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट,
रिडियम निर्यात में रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो क्या आंसर है इसका? ए, देयर विल बी नो इफेक्ट। बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट डज दिस मीट माय लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तड़ित होने या गिरने का अर्थ क्या होता है? लाइटनिंग या थंडरिंग का नंबर आया तो इसका मतलब होता है कि जो ऑसिलेशन है उसमें चेंज आता है, जो ऑसिलेशन होता है उसमें चेंज आता है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग थंडरिंग वाला। क्या आंसर इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा, टू बल्ब शाइन टुगेदर इफ वन ऑफ देम शाइन्स मोर एंड द अदर शाइन्स लेस देन व्हाट इफेक्ट रेजिस्टेंस हैज ऑन देम। दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है और दूसरा कम चमकता है तो इसका मतलब प्रतिरोध कितना होगा? जो पहला वाला है उसका प्रतिरोध कम होगा और जो बाद वाला है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो लो लाइट बल्ब का ज्यादा होगा। भाई वो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम पास होता है, इसका मतलब वो कम जलेगा। क्या आंसर इसका? ए, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉडियम सल्फेट जिसपे पानी वाटर में गर्म लग जाता है। तो क्या आंसर इसका? ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? जब वो पानी से बर्फ बन जाता है वो है 0°C। तो ए, ए इसका भी आंसर हो गया। बढ़ते 26वां क्वेश्चन जो कि हमारा, प्रेशर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेंस। पहाड़ पर दबाव बढ़ता है घटता है जब आप ऊपर जाते हो। जब हम ऊपर इधर जा रहे हैं, हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो जो प्रेशर होता है वो हमारा घटता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही गैस मॉलिक्यूल्स बचे होते हैं इसलिए। तो क्या आंसर इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा, पानी का फॉर्मूला क्या है? सबको पता है पानी का फॉर्मूला H2O है, याद ही रखना है। क्या आंसर इसका? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपका कलरलेस होता है, उसके बाद बताऊँ तो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, जिसको आप किसी को भी उस करने में इस्तेमाल करते हो। क्या आंसर है? सी इसका आंसर है। 29वां क्वेश्चन कहता है हमारा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रेज ऑफ द सन टू रीच अर्थ। सूर्य किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं? वो लेती हैं आपका 8:19। क्या आंसर इसका? ए, जो सनलाइट है वो स्पीड स्लाइट की स्पीड से नीचे आती है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए। बढ़ते 30वां क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूल ऑफ पुशिंग एंड द व्हीकल बैक एंड फोर्थ। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा होता है? ये होता है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर आप किसी को आगे तरह धक्का दे रहे हो तो वो आपको पीछे तरह धक्का दे रहा होगा, तो यही आपका इसमें कहता है। तो क्या आंसर इसका? ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे सेक्शन सी जो कि आपका मैथमेटिक्स, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, अ 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 seconds, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में क्या होगी? स्पीड निकालना है, डिस्टेंस है 140, स्पीड है टाइम है 12, कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा आपका, दो से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 76, फिर काटोगे तो 35/3 m/s। बट आंसर तो किलोमीटर पर आवर में, तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता, इसको मल्टीप्लाई करो आप 18 से और डिवाइड करो 5 से, मतलब 18.5 से ऐसे कर लो। 3 × 3 = 18, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 7 × 6 = 42। क्या आंसर हुआ इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 16 and 30 लीविंग 3 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो कुछ नहीं है आपको, 6, 9, 12, 16 और 30 का निकाल लो LCM। ठीक है, निकालते हैं, 3 × 2 = 3, 4, 16, 10, फिर 2 से काटते हैं, 1, 3, 2, 8 और 5। अब फिर से 2 से काट लेते हैं एक बार, 1, 3, 1, 4, 5। अब तो कुछ कटने वाला खास बचा नहीं है, तो कर सकते हैं, बचा क्या हमारे पास? हम ऐसे कह सकते हैं 3 × 2 × 2 × 3 × 4 × 5। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6, 6 × 12, 12 × 14 = 36, यहाँ तो आया 36 × 20, तो ये हो गया 720, इसमें जोड़ दो 3 तो 723, 723 वो नंबर है जिसको अगर सबसे डिवाइड करो तो 3 हर केस में बचेगा। तो क्या आंसर है इसका? ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा, 33वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे के दोबारा देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है x³ - 1/x³ = 14 है, आपको x - 1/x निकालना है। ठीक, कैसे करेंगे? पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा a - b² का फॉर्मूला, वो क्या होता है? वो होता है a³ - b³ - 3ab (a - b). क्लियर हुआ? ठीक, अब मैं a के बदले में पुट करता हूँ x और b के बदले में 1/x। ठीक है,
कुछ ये होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस में 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, ये बचेगा आपका एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ये बचेगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस में 3 इंटू में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में 3 इंटू में एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, 14, तो मैंने इसको ले लिया 14। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज लेट कर रहा हूँ, लेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो गया मान लो मैंने ले लिया एम, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एम क्यूब प्लस में 3m इज इक्वल टू 14। मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे करूँगा हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब पहले मैं m की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा, मैंने 0 पुट करी, 1 पुट करी, 2 पुट करी, कैसे करते हैं, पहले मैंने पुट करी m की वैल्यू 0, तो 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी वैल्यू बनती है 0 का क्यूब होता है 0 प्लस में आगे आता हूँ तो प्लस में आपका आएगा यहाँ पे क्या 3 इंटू 0 होता है 0, तो 0 तो आंसर आ गया, नहीं आया, तो ऐसे ही मैं क्यों 2 पुट करता हूँ, तो 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस में 2 तिया होता है 6, कितना 14 बन गया ना, तो मतलब सेम हो गया, उसका मतलब एम की वैल्यू कितनी होगी 2, तो इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मिल गया ना, m की वैल्यू यही थी ना, m मैंने क्या लेट किया था ये, तो क्या आंसर आया इसका a, a इसका आंसर आ गया। बढ़ते हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस पी इक्वल टू 0 इज 10 देन द वैल्यू ऑफ पी, समीकरण इसका के मूल्य के वर्गों का योग 10 है तो पी का मान क्या है, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, कैसे करेंगे, ऐसे देखो मुझे पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब जो उसके जीरोस होंगे उसका सम क्या होगा, उसका सम होता है सम ऑफ जीरोस की बात करोगे शून्यकों का योग तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब हो गया आपका माइनस का 2 अपॉन पे 1 मतलब माइनस 2, और अगर प्रोडक्ट की बात करोगे इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो होता है आपका सी अपॉन ए मतलब हो गया माइनस का पी, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, ऐसे मान लो अल्फा प्लस बीटा दो चीज़ें हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 2 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 10 आपको दे रखी है इनके स्क्वायर का, तो 10 प्लस में 2 अल्फा बीटा मतलब हो गया और 2 इंटू में माइनस का पी, तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर में 10 माइनस में 2p, तो 2p बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 4, 2p बराबर हो जाएगा 6, p की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या आंसर हुआ इसका b, b इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 35वां क्वेश्चन जो कि हमारा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1440 सो द नंबर ऑफ साइड्स इज, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है तो भुजाओं की संख्या क्या है, इसका सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला होता है 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 90 इज इक्वल टू में जो भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, तो 2x माइनस में 4 इज इक्वल टू 1440 अपॉन पे 90, कटिंग करोगे 0 0, 9 से काटोगे तो 9 बन जाए 9, 9 सिक्स 54, तो 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 2x इज इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू होगी 10, तो ये हो गया आपका एन, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 10, क्या आंसर इसका ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 36वां क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो अब होता है 0.3, तो क्या आंसर होगा इसका ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते 37वां क्वेश्चन एट व्हाट रेट ऑफ 5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट विल बी डबल इन ईयर्स, कितने साल कितने वर्ष में एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पे 5% ब्याज पे दोगुनी हो जाएगी, सिंपल क्या है, प्रिंसिपल बराबर एस आई बराबर एक्स, तो देखते हैं एक्स बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, फॉर्मूला ही होता है एक्स इंटू में आर की वैल्यू 5 इंटू में टी अपॉन पे 100, एक्स से एक्स कट गया, टी की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पे 5 मतलब हो गया 20 साल, क्या आंसर हुआ इसका सी, सी आंसर हो गया। बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर आर एस 360 फॉर हाउ मच द बाईसाइकिल बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब अगर मैंने साइकिल 360 रुपये की बेची तो मुझे 10% का लॉस हुआ, मैं उसको कितने रुपए में बेचूँ ताकि मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है 360 रुपये की अगर SP है, लॉस परसेंट है 10 का, तो लॉस निकालते हैं, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है मैंने हर बार रखा है लॉस अपॉन CP इंटू 100, मैंने माना CPX,
तो 10 बराबर लॉस अपॉन पे एक्स इंटू पे 100, तो लॉस की वैल्यू हो जाएगी 10x अपॉन पे 100, तो ये हो गया आपका x अपॉन पे 10। ठीक है, इसका यूज करते हैं। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस में एसपी। ठीक है, तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू में x माइनस में 360, तो x माइनस में x अपॉन 10 इज इक्वल टू में 360। एलसीएम लेके करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9x अपॉन पे 10 इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 360 इंटू में 10 अपॉन पे 9, 9 से काटोगे तो 40 हो जाएगा आपका 400। तो 400 की हो गई सीपी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कोई चीज 400 रुपये की खरीदता हूँ और मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, मैं कितने में बेचूंगा? सिंपल सी बात है, तो मैं निकालता हूँ 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए मेरा? सीपी है 400 इंटू पे 100, तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो एसपी कितने का हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 100, 400 जमा पे 40, ये हो जाएगा आपका 440 रुपये का बेचने पर। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है, 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से डिवाइड करो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, कितना आंसर आया? 2 धामा 20 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते 43वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है मनोज रीच अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एट बट रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मनोज? मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचा, परंतु 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो मनोज की औसत चाल क्या है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकाल, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब प्रोडक्ट करो स्पीड का, जो भी आपकी स्पीड है दोनों, सम करो स्पीड को और मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो प्रोडक्ट स्पीड मतलब हो गया 4 इंटू में 16, और ऐड हो गया 4 प्लस 16 इंटू में 2। क्या आंसर आएगा? 4 इंटू में 16 इंटू में 2 अपॉन पे 20। 2 1 जा 2 2 10 जा 20 2 5 16 अपॉन 5 मीन्स हो गया 16 2 जा 32, मतलब मल्टीप्लाई में 2 भी है तो 32 अपॉन पे 5, तो मतलब आंसर हो गया 6.4। क्या आंसर हुआ इसका? ए, ए इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन, जो कि हमारा माई सैलरी हैज़ बीन रिड्यूस बाई 10% आफ्टर इंक्रीजिंग 10% देन माई प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया, तो मेरा लाभ या हानि कितना हुआ है? मैंने माना मेरी जो इनकम थी एक्स थी मेरी 100 रुपये की इनकम थी, मेरा 10% बढ़ाया है इसने, तो 10% ऑफ 100 क्या होता है? 10% ऑफ 100 होता है मेरा 10 रुपये। तो मेरी अब इनकम हो गई न्यू, मेरी जो एक्स की वैल्यू हो गई वो हो गई मेरी 100 प्लस 10, मतलब मेरा हो गया 110 रुपये मेरी इनकम हो गई। अब उसने क्या बोला? उसने 10% मेरा कम कर दिया, तो 10% ऑफ 110 क्या होता है? वो होता है आपका 10 इंटू में 110 अपॉन पे 100, 0 से 0 0 से 0, तो ये हो गया 11 रुपये। अब अगर उसके 110 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 99 रुपीज़। उसकी सैलरी पहले क्या थी? 100 रुपये, बढ़ गई कितनी हुई? 110 रुपये, अब कितनी हो गई? 99 रुपये, तो कितने का लॉस हुआ है? 1% का। तो क्या आंसर है इसका? बी, बी आंसर हो गया। बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन, जो कि हमारा ये कहता है वॉट इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 8। कैसे करते हैं 4:8:8:x? ये तरीका होता है 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 8 अपॉन पे 4, 2 4 2 4 4 4 60। क्या आंसर आया? आंसर बी, बी आंसर हो गया। बढ़ते 43वां क्वेश्चन, जो कि मैं ये कहता है अ पर्सन गेट्स 252 बाय इंक्रीजेस इन हिज सैलरी बाय 5%, सो हिज प्राइड सैलरी वॉज। एक व्यक्ति तो को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले, उसका पूर्व वेतन क्या था? मतलब 5% बढ़कर उसको 252 मिले, तो ऐसे करो 105% ऑफ जो भी एक्स है वो 252 है। ठीक है, तो सिंपल सा है 105/100 × x = 252। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स बराबर हो जाएगा 252 × 100/100 = 105। कटिंग करेंगे तो कटिंग कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका 5 से काटा 20 बार में, 5 से काटा 21 बार में, 21 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 12 दूनी 24, 240 रुपये इसका आंसर हुआ। बीस का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 44वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है रूट्स दे रखे हैं 2x² - 3x - 12 = 0 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक है 2x² - 3x - 12 = 0 है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब होता है माइनस का 3 अपॉन पे 2, तो ये आंसर हो गया 3 अपॉन 2। तो क्या आंसर है इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। पढ़ते हमारा 45वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। फादर इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, आफ्टर 4 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 44 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन?
पापा जो है वो अपने बेटे से 5 साल बड़े हैं, 5 गुना बड़े हैं, तो सन की एज हो गई एक्स, फादर की हो जाएगी 5x। 4 साल बाद तो 5x+4 और बेटे में भी x+4 जोड़ के बनता है 44। कितना है? 6x+8=44। 6x=44 - 8, 6x=36, x=6। तो ये हो गई एज किसकी? बेटे की। फादर की एज क्या हो जाएगी? 5 × 6 मतलब हो गया 30 ईयर्स। तो क्या आंसर हुआ इसका? फादर की एज हो गई 30 ईयर्स, बेटे की एज हो गई 6 साल। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा बढ़ता है सेक्शन सी खत्म होता है, बढ़ते सेक्शन डी की तरफ, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन कहते हैं आपको संख्या दी गई है, बताना कौन सा नंबर मिस है। 3, 8, 15, 24, 35, 48, कितना गैप है? 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का। 48 में 15 जोड़ोगे तो 53 और 10 63। क्या आंसर हुआ इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। सत्ताईस क्वेश्चन कहता है एक फॉलोइंग क्वेश्चन है, बताना है कि लाइफ का है डेथ तो होप का क्या होगा, जीवन का है मृत्यु तो आशा का क्या होगा? निराशा, डिसअपीयर। तो क्या आंसर इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 48 क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है टुडे को लिखा हुआ है इन्होंने TODAY को इन्होंने लिखा है UQECZ, बिफोर को क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है ना हमारा, देखते क्या लिखेंगे। टी के बाद U+1 तो बी के बाद 1 सी, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू तो ई के बाद एफ छोड़ के जी, डी के बाद ई एफ के बाद जी, ओ के बाद ए के बाद एक बी छोड़ के सी तो ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, वाई के बाद जेड, आर के बाद एस, ई के बाद एफ छोड़ के जी। क्या बना? CGGQHG। सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 49 क्वेश्चन, ओके हमारे कहते हैं इफ पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज फादर ऑफ पी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, टी इज डॉटर ऑफ क्यू, देन हु इज एस अंकल। यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है, टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है? देखते हैं पी और क्यू भाई है, ठीक है, आर पी के पिता है, मतलब आर पी और क्यू दोनों के पिता होंगे इसका मतलब। तो एस टी का भाई है, एक एस है कहीं पे, वो टी का भाई है, टी का भाई है एस, ठीक है, जो आपका टी है वो क्यू की पुत्री है, मतलब जो टी है वो क्यू की पुत्री डॉटर है। क्या पूछा है? एस का चाचा कौन है? तो देखो एस के फादर हो गए क्यू और उनका भाई है पी, तो एस के चाचा कौन हुए? पी। क्या आंसर है इसका? सी। पी इसका आंसर हो गया। तुम्हारा 50 क्वेश्चन क्या कहता है? टर्निंग टू द वेस्ट आई टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड टर्न 135 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज माई फेस नाउ? पश्चिम की ओर मुख करते हुए घड़ी की सुई दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख दिशा किस में है? मैं था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं था वेस्ट की तरफ, मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है यहाँ मैं नॉर्थ तक पहुँचा, फिर मैं 135 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 135 डिग्री यहाँ से आया 90 और 45 में यहाँ पे आया, कौन से में मेरा फेस है? नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। तो क्या आंसर है इसका? डी, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 खत्म होता है। कोई इशू आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।